तो इसमें बहुत सारे जगह ऊपर बने हुए हैं जहां से। और घर देखो कितना सुंदर लग रहा है यार। हम लोग चले जाएंगे सही में। ओए लखनी। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू लखनी व्लॉग्स। यहाँ पर लखन और पायलट नीतू आपका स्वागत करते हैं। पायलट नीतू अभी कुछ अपना व्लॉग एडिट करने पर बैठ गई है सुबह सुबह। मैं उसका वही सारे व्लॉग दोबारा देख रहा चला चला के, और सच में रिलीव कर रहा हूँ उन मोमेंट्स को, जबकि अभी ज़्यादा देर नहीं हुई, 4-5 दिन पहले उसने प्लेन उड़ाया था। बट यार बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और आप सबने तो कमेंट कर करके और भी अच्छा बना दिया उसको। यस, हमारा रूम इतना मेसी है, और मैं क्या बताऊँ कि कल का एक्सपीरियंस इतना अच्छा था, हम मॉल गए, मेरा गला भी खराब हो गया। अब मैंने लखन को बोला मुझे 2 घंटे तक डिस्टर्ब मत करना, उसके बाद मैं खाना बनाऊंगी। अरे तू डिस्टर्ब मत करियो मेरे लिए, कह रही है ये देख क्या रूम कर रखा है यार। मैं दीदी से मिल के आता हूँ। भाई कितने सारे सुपरस्टार्स हैं यहाँ पे, नमस्ते, आशीर्वाद दे दो। खुश रहो खुश रहो। ये इतनी जोर से क्यों मारा आपने? मेरी मनोकामना तो पूरी हो ही रही है। हो रही है, कुछ भगवान कर रहा है, कुछ बहन कर रही है। और अच्छी अच्छी सारी जल्दी जल्दी पूरी हो। थैंक यू यार, कितनी अच्छी हो आप। गाइस आज हमारी बहन हमारे लिए पूरी और वो बनाने, कल मेरे मुंह से परसों निकल गया था गलती से कि मेरा पूरी खाने का मन, सच में पूरी बनाने लग गई है वो, विद आलू की सब्जी जैसे भंडारे में मिलता है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है यहाँ से। देखो आज बाहर बारिश पड़ रही है बहुत ज़्यादा, हमारी दोनों गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और बहुत ज़्यादा ठंड भी हो गई है। सुनो, पूरी गोल गोल होनी चाहिए, बिल्कुल याद रखना। ओके, ठीक है ना? हाँ, पतली बड़ी है छोटी? एक यार फिर से रोस्ट कर रही है मेरे को। भाई आप वैसे है रोस्टिंग में क्वीन हो आप। ये कौन सा ऑयल है? कौन सा? वेजिटेबल। ओके नीतू, यह काम मत बिगाड़ी हो, मैंने देख रायता बना दिया है और ये सब्जी बना दी है। राजमा नहीं बनाया आज? राजमा ने बनाया, पूरी मैंने दीदी को बनाने के लिए दे दी। क्यों खिचड़ी क्यों बना रही है? मेरा मन। बहन अभी आपको एक चीज नहीं पता, मैं बता देता हूँ, मेरा वेट गेन हो चुका है यहाँ पे। चेक करा? 1 किलो। हाँ बस बस, मतलब 5-10 किलो होना चाहिए। अरे 5 दिन हुए हैं भाई, 1 किलो। ओ भाई अमेज़न प्राइम की गाड़ी आई है बाहर। अरे मेरा वो आया होगा, मैंने सोनी को मंगाए थे ना जीजू को बोल के। देखो गाइस यहाँ पे डिलीवरी कैसे होती है, कितनी बड़ी वैन आती है अमेज़न प्राइम की। ओ हाँ, छोटा सा बॉक्स लेके आया मेरे ख्याल से वही है यार। तो मैंने नए माइक मंगाए थे सोनी के, वहाँ नहीं मिल, इंडिया में लॉन्च ही नहीं हुए अभी वो वाले, तो शायद यहाँ पर आ गए। अब आपको उसकी क्वालिटी टेस्ट करानी होगी मेरे को, है ना, ताकि बेस्ट क्वालिटी व्लॉग्स बने। आ जाओ ले, आ जाओ। अच्छा अच्छा, वो ये ना कहते कि मेरे को रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो। थैंक यू। बेटा यहाँ कॉन्टैक्ट लेस होती है डिलीवरी, वो रख के चले जाते हैं। अब ये तो मैं जीजू का खोल दूँ गलती से, मेरा ही है ना नाम, वो मत करो एड्रेस। ओह सॉरी सॉरी सॉरी। शेफ साक्षी शेफ, जल्दी से बनाइए यार। ओके। ये अजीब सा एक कटर ला के दीदी ने रखा है, ये क्या यार, सीधा सीधा चाकू जैसा कुछ लेकर आओ ना। इससे अच्छा करते ना। हो गया, चीड़ फाड़ क्यों कर रहे हो यार? दन, दन, दन। मुझे डर लगने लगा आपसे अब। तो वो भाई वही है जो मैंने सोचा था। यस हियर इट इज। तो ये आ गया गाइस माइक, और ये माइक है, दो ट्रांसमीटर हैं, एक रिसीवर है, और ये पूरे बॉक्स में रखे इसी में चार्ज हो जाता है, और इसमें वायर की जरूरत नहीं है, वायरलेस है पूरा। सोनी के कैमराज पे ये सबसे बेस्ट काम करेगा, बाकी रिव्यू तो देखो आप ही बता सकते हो कि आपको आवाज़ कैसी आएगी। अभी मैंने लगाया नहीं, इसको चार्जिंग पे लगाता हूँ सबसे पहले। तो लखन की पूड़ी है बिल्कुल रेडी, और मेरी खिचड़ी को अभी लगेगा टाइम। अभी मैं चांदनी चौक जाऊंगा इसके बाद, क्योंकि लगी नहीं हम यूएस में। वैसे तुम इंडिया में होते तब भी तुम यूएस नहीं जाते, लेकिन दीदी अचार बहुत टेस्टी है। हाँ मतलब दीदी की जो मम्मी है, मम्मी है सास ने बनाया, मदर इन लॉ ने, जो सासू माँ है उन्होंने अचार बनाया दीदी वाली, दीदी की, और बहुत टेस्टी अचार है। मतलब मैं कल 2 खा गई थी, बस मुझे खाना नहीं चाहिए मगर मैं 2 खा गई। अचार औरतें अच्छा बनाती है ना, मैंने जो बनाया वो तो अच्छा था। अरे अच्छा था, तुझे मैं औरत कह रहा हूँ डायरेक्टली यार। मेरी अभी 2-4 दिन पहले अपनी चाची से बात हुई थी, वो भी तारीफ कर रही थी कि ज्यादा गला हुआ नहीं था, बिल्कुल ठीक था, और जबकि मैंने वो ऐसी वीडियो के लिए बनाया था, मुझे तो मैंने ना कहीं देखा ना मैंने कहीं सोचा, ऐसी बना दिया है दीदी, मतलब ऐसी बना दी और अच्छा बनाया, मगर नमक नहीं, आम का, और वो भी आम का 5 किलो आलू, 5 किलो आम मैंने बोला, 5 किलो आलू मैंने पहली बार बनाया, मेरे को मैंने देखा भी नहीं कहीं पर, ऐसी बनाया दूसरी फिर दीदी के हाथों से। दीदी इसको बहुत डरा के रखती है, हमारे जीजू लाड करते हैं बहुत यार, यहाँ ना यहाँ बच्चों की कुटाई नहीं कर सकते, मतलब अलाउ नहीं है।
अब दूसरे तरीकों से आपको पता बच्चे कहाँ सुनते हैं। गाइस मेरा भी बहुत मन कर रहा है पूरी और ये आलू की सब्जी खाने का, लेकिन मैं नहीं खा सकती हूँ। मेरा ना अजीब सा ही हो रहा है, मतलब क्या बताऊँ, मतलब होता नहीं अजीब सा हो जाता है वॉमिट जैसा। खाने एक पूरी खाऊंगी, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, इसलिए मैंने बहुत थोड़ी सी खिचड़ी बनाई है और इसीलिए मैं खिचड़ी खाऊंगी। हाँ मैं थोड़ी सी एक पूरी खाऊंगी और वो बहन रायता कितना अच्छा बनाया आपने, बहुत ही अच्छा यार। तो गाइस नीतू को मुझे ऐसा लग रहा है एसिड बन रही है, उसके लिए मैं लेकर आया हूँ दवाई ले लो। गाइस हमारे घर पर एक बड़ा फनी इंसिडेंट हुआ, दीदी ने गुलाब जामुन लेके फ्रिज में रखा हुआ था और वो ना कहीं से लीक हो रहा है, तो दीदी ने जिस दिन कड़ी बनाई ना वो कड़ी उसके बिल्कुल नीचे थी भाई क्या हुआ, उसमें से रस्ट पक रहा था और वो कड़ी जब मैंने शाम में खाई मीठी हो गई, वो कड़ी जो गुजराती कड़ी बन गई अपने आप में शाम तक तो अभी अभी जीजी को पता लगा कि गुलाब जामुन में से वो लीक हो रहा है रस, है ना। ये भी सही है जीजी, कुछ कड़ी के ऊपर गया पर यार मैं ना बहुत प्यारी हूँ यार सच्ची। हम लोग सोच रहे हैं ये कड़ी शाम तक गुजराती कड़ी कैसे हो गया, समझ नहीं आया, अब पता चला मेरी रीजन क्या हुआ। मजाक उड़ा लो बहन का। अब बहन ऐसा है उसको बहू को तो आप उड़वाते हो प्लेन, अब आपका भाई क्या करेगा, मजाक उड़ाएगा ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गाइस ये हमारे जीजू है, नो मेल ईगो जिसको आप लोग बोलते हो, लेकिन मुझे पता है आप मेरी क्लास लगाने वाले हो, बेटा जीजू से काम करा रहा है, बट यार ये लोग कुछ काम नहीं करने दे रहे, मैं क्या करूँ आप बताओ ना, मैं दुविधा में हूँ। और दीदी ऐसी आंख दिखाती है ना मेरे को, मैं अलग जाके बैठ जाता हूँ। चुप नितारा दवाई खा ली, दीदी बुला रही, खाना खा ले। हाँ एसिडिटी होगी तेरे को यार, आज दवाई वो खा ले, अब खाना तभी ठीक होगा, भूखे पेट मत रहा कर बहुत ज्यादा देर। माइक टेस्टिंग गाइस, माइक टेस्टिंग, ये वाला वो माइक है, इसको मैं टेस्ट कर रहा हूँ कैसी आवाज आ रही है। कैमरे बहुत लाइट, आपको दिखाता हूँ कैसे। अब देखो मेरे कैमरे के ऊपर वो बड़ा सा माइक लगा रहता था अभी ट्रेवल के टाइम पे, ये देखो कितना सा माइक है कैमरे के ऊपर, और ये मेरे हाथ में यहाँ पे लग सकता है। तो आप लोग बताना इसकी क्वालिटी कैसी है, क्योंकि इससे क्या है ना, अगर मैं कैमरा यहाँ रख के और बहुत दूर भी चला जाऊँगा तो भी आवाज़ आपको इतनी क्लियर आएगी। पहले को मैं तो देख लूँ क्लियर है भी या नहीं। तो नीतू अपना फ़ोन इधर ही छोड़ गया, ले चलता हूँ बाहर। अरे आज बड़ी लेट आई बेटा काम पर, जल्दी जा अंदर। अरे क्या पीछे क्यों आ रही है, लखन मोटू। ज़बरदस्ती दीदी ने दो पूड़ी खिला दी और पूड़ी बहुत अच्छी बनी थी, खस्ता पूड़ी, लेकिन आपको पता है मैं तो 20 पूड़ी खा लेती, 15-20 पूड़ी। बहुत भूख लग रही है, अब मैं खिचड़ी खा सकती हूँ, पूड़ियाँ नहीं खा सकती। गाइस ये आप देख सकते हो कल की जो शॉपिंग थी भाई, पूरी गाड़ी भर चुकी है, हमारी बैठने की भी जगह नहीं थी, अब कैसे लेके जाएं इसको एक एक करके। ये बैग भी मैंने लिया था जो आपको दिखाया था कल, या नहीं दिखाया पता नहीं। एक्चुअली बारिश बहुत पड़ रही है, कैमरा तो बाहर ला ही नहीं सकता, ले जा ले जा भाई। नहीं तो पूरी गाड़ी भर रखी है यार। भाई मैं अंदर आ गया हूँ क्योंकि बारिश तेज़ पड़ रही है। ये देखो सामान कितना लाए हैं लोग, सारे बैग्स भरे हुए हैं अभी तक, अभी कुछ और भी बैग रहते हैं वो लेने दोबारा से गए। इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता वैसे, और नीतू के साथ रह गए, दीदी भी ऐसी ना हो जाए। भाई देखो बारिश में खुद तो है वहाँ, दीदी को भी वहीं खड़ा कर रखा है। ये देखो सो ये हम लाए हैं दीदी के लिए, बल्कि दीदी को कितना ही पहनेंगे क्या है ये जो हमने देखा था। अरे कुछ नहीं ये फालतू चीज नहीं, प्लीज प्लीज ये नहीं करना यार, ये क्या बात है यार, इसका मतलब आप अपने नहीं हो फिर, है ना। नीतू ये पराया समझते हैं हमें, हमसे छोटे हो ये हमें पराया समझते हैं, चीज लेती है ना तो हमें कुछ करने देती है, ठीक है। तो ये हमें अपना नहीं समझ, ठीक है। नीतू फ्लाइट की टिकट करा ले कल की, छोटे बड़े क्या होता है, आपकी ऐसी सोच है, हैं ठीक है। नीतू फ्लाइट की टिकट करा ले यार, कल चलते हैं, हम कल ही जा रहे हैं, ठीक है बाय। बाय बाय बाय, बहुत गलत बात है यार, हम लोगों ने देखा था मिला नहीं, अब उसको दे दिया। आपके लिए कुछ मैंने बहुत अच्छा सोचा हुआ है। नहीं जीजू नहीं, दीदी मेरा मेरा पसंद, मैंने बोला कि वैसा ले ले कवर्ड वाला, इसने बोला नहीं टोट बैग ज्यादा सेंस बनेगा, बहुत अच्छा सेंस बन रहा है कहीं से टोट बैग का, इससे मैंने बना है बहुत अच्छा है, बहुत खाली बैग में वाला साबिनी काफी अच्छा है दीदी। खाली बैग नहीं देते तो मैंने इसमें डॉलर डाल दिया, अब वो कितने डॉलर है मुझे नहीं पता। अरे खाली बैग नहीं देते कभी भी भाई, इंडियन रुपीज कभी एक रुपया रखते, वो भी बहुत था। एक रुपया लेके आए हैं हम, हमको थोड़ी पता था ऐसा करना पड़ेगा। नहीं मैं मेरे पास है। यार क्या है जी, बहन बहन ये शगुन टाइप का होता है, आपको क्या हो गया यार। नीतू तुम लोग यहाँ इतना नहीं, नीतू ये दोनों मैं बता रहा हूँ ना बहन, ये जो भाई हम सामान अपना पैक कर रहे हैं भाई, अब हम आएंगे ही नहीं भाई। नीतू चल चले, तो चले जाएंगे सही में।
नहीं तो चल यार, मैं कह रहा हूँ ना चल बाहर चल। शगन ठीक है होता है हो, बहन लौटाते नहीं, बहन ऐसे नहीं लौटाते, ऐसे नहीं लौटाते। और क्या बोलते हैं, हाँ बहन ऐसे नहीं देते, बहन ऐसे लौटाते नहीं कभी भी, वो जा सकना वो मतलब बैग भरा वो देते हैं। अच्छा ना, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर, मेरे पास था भी नहीं ना तो इसलिए मेरे। झूठी तारीफ कैसे करते हैं, साक्षी दीदी आपको क्लासेस देंगी, अपने व्लॉग्स में क्लासेस देंगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, थैंक यू यार। थैंक यू तो हमें बोलना चाहिए भाई, इतने अच्छे लोग हो आप, सच्ची यार हम ब्लेस्ड हैं कि भगवान हमें अच्छे अच्छे लोग हमारी लाइफ में देते हैं। तुम लोग आए, हम लोगों को इतना मन लग रहा है, हम लोग यही बात कर रहे थे यार साक्षी घर पे भी कि हम कार्टून है ना, अच्छा माहौल है। ये चहल पहले गाइस आप देख सकते हो भाई, अभी जीजू को ऐसा ठिकाने लगा रहा है भगवान, बहुत मजा आ रहा है, तुम लोग आते आते रहा करो, तुम लोग बहुत अच्छा लगा। अरे अभी हम यही हैं, अभी है ये टेंशन मत लो, अभी तो डरिए हम, तुम लोग यही रुक जा रहे हो। कहाँ याद आ रही हो, उसको वहां से बुला लो। एक काम करो, हम यहाँ रुक जाते हैं, आप लोग इंडिया चले जाओ, ठीक है? नहीं यार मन नहीं लगेगा आप लोगों में, बिल्कुल इसीलिए तो हम कहीं नहीं जा रहे, हम बस आपके साथ ही रहना है। अब तो समझो मैं, हम साल के दो ट्रिप तो लगाए करेंगे ऐसे, हाँ। जो दीदी और जीजू के पास रहेंगे हमारे, सच सिर्फ आपके लिए टाइम वाला, सच में हमें बहुत मजा आएगा। और ये रही हमारी बच्ची, हेलो, ये यार ये कितनी प्यारी है यार, कितनी प्यारी है सच्ची। आज यहाँ पर बारिश हो रही है लेकिन आपको बनता है होम टूर दिखाना, क्योंकि आपके बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी। तो आज हम करने वाले होम टूर हमारे इस यूएस वाले घर का, दीदी और जीजू का ये घर है और बहुत सुंदर है, इसीलिए आप लोग डिमांड कर रहे हो कब से कि आपको इसकी पूरी वीडियोस चाहिए। तो जितनी डिटेल में होगी आज मैं वीडियोस बनाऊंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ पर चीज़ें कितनी लगे इंडिया से। सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे रोड काफ़ी अच्छी है, कनेक्टिविटी आप देखो, मतलब आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ आस पड़ोस में बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं। एक ये हमारा घर है तो काफ़ी दूर दूसरा घर है, फिर तीसरा घर है, और ध्यान से देखो रोड्स कितनी अच्छी तरह बनी हुई हैं। अच्छा अपना घर ना यहाँ तक है, ये जो पूरा आप एरिया देख रहे हो, ये पूरा गार्डन ये भी अपना है, इतना बड़ा मैसिव सा गार्डन है ये, फ्रंट गार्डन। एक गाड़ी हमारी यहाँ पे खड़ी होती है, दूसरी गाड़ी हमारी वहाँ पे खड़ी होती है, उसका आप ध्यान से देखोगे तो वो चार्जिंग वाला सॉकेट लगा, क्योंकि टेस्ला है तो वो बैटरी से चलती है गाड़ी। उसके बाद आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ तक ये पूरी बाउंड्री जो है हमारा ही घर है। बिजली के खंभे आपको यहाँ भी दिखेंगे, यहाँ भी बिजली वैसी आती जैसे मतलब नॉर्मल जगह, और जगह हम देखते हैं ये काफ़ी कुछ डिफरेंट सा जीजू ने यहाँ पे लगाए हुए हैं। इसमें लाइट्स भी जलती है रात में, और ये आप देख सकते हो थोड़ा पहाड़ टाइप का लुक यहाँ पे दे रखा है। जहाँ तक आप वो देख रहे हो ना, वो जो फेंसिंग हो रही है पड़ोसी की, वहाँ तक अपना एरिया है, वहाँ तक। तो काफ़ी सुंदर ये बाहर से देखने में है, और आप ध्यान से देखोगे तो इस जगह ना सबके घर काफ़ी बड़े बड़े हैं। ये यहाँ का बहुत एक पॉश जिसको हम बोलते हैं एरिया है। दीदी और जीजू रहते हैं न्यू जर्सी में, न्यू जर्सी का ये एरिया रॉबिन्सविल में लोग रहते हैं। तो आइए अब आपको दिखाते हैं हमारा घर अंदर से। ओके, तो बाहर कैमरा नहीं ला सकता था बिकॉज बारिश पड़ रही है बहुत ज़्यादा, इसलिए फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अंदर मैं आपको कैमरे के शॉट्स दिखाऊंगा सारे। सबसे पहला वेलकम देख सकते हो यहाँ पे, ये क्रिसमस के सेलिब्रेशन की वजह से लगा हुआ था, सीसीटीवी लगे हुए हैं यहाँ पर, और ये आप देख सकते हो गर्मियों में बहुत सुंदर हो जाता है क्योंकि यहाँ पूरे में पौधे पौधे होते हैं। एक और है ये, यहाँ से कोई भी आता है विजिटर तो पता लग जाता है अंदर, हम उनसे बात कर सकते हैं, हम उनको देख सकते हैं, बैल भी यहीं से बजाते हैं हम लोग। ये घर के मेन डोर से बाहर का लुक आप देख सकते हो। अब हम चलते हैं घर के अंदर। यहाँ पे ये जो लॉक है ये है नंबर वाला, आप नंबर के लॉक से इसको खोल सकते हैं वरना चाबी से खोल सकते हैं। हाय नीतू, अभी बनाऊंगा, बाहर बारिश पड़ रही है ना इसलिए रुक जा, पहले कैमरा ले लूंगा उसके बाद बात होंगी तेरे से। तो गाइज अब हम गेट अंदर बंद करके अंदर आ चुके हैं, ये आप देख सकते हो मैच मेरा और नीतू का किया हुआ है मोस्टली। यहाँ पर ये ड्रॉर है कुछ ऐसे सामान के लिए कि अगर आप बाहर जा रहे हो तो आप यहीं पे रख सकते हो, जैसे कि शूज वगैरह सब रखे हुए हैं, छाते कई बार होते हैं, रेनकोट कई बार होते हैं क्योंकि बारिश बहुत पड़ती है। ये जो रास्ता आप देख रहे हो ना ये पूरा बेसमेंट की तरफ जा रहा है, जो कि आपने बहुत बाहर देख लिया, इसमें चाइल्ड लॉक लगाया हुआ ताकि बच्चे इसको ना खोल लें। चाइल्ड लॉक कैसे खुलता है ये हमारी बहना खोल के दिखा रही है हमें। तो ये बेसमेंट है, काफ़ी बड़ा है, अंदर से पूरा आपको दीदी दिखाएंगी अच्छे तरीके से, बाकी आप लोग हमारी बहना से मिल सकते हैं। बहना यहाँ पर है अभी भी, कुछ ना कुछ काम में लगी हुई है। ये किचन आप लोगों ने देख ही लिया, यहाँ पर भी आप देखोगे इसको एग्जॉस्ट बोलते हैं ना,
ओ चिमनी, ये हाँ चिमनी एग्जॉस्ट। बाकी यहाँ पे बहुत सारा सामान रखा हुआ है, सबके लिए जगहें हैं। और ये फ्रिज आपने देख लिया ऑलरेडी, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा भी जगहें हैं। यहाँ पर दीदी ने ज़्यादातर तो वो क्रॉकरी का सामान रखा हुआ है, यहाँ नीचे रखा हुए हैं मोस्टली बिस्किट नमकीन कुछ ऐसी चीज़ें। और ये आप देख सकते हो फायरप्लेस, जो कि इसको अलाप बोलते हैं हिंदी में, क्योंकि यहाँ ठंड सच में बहुत है। बस मैंने मूवीज़ में देखी नहीं पहले कि भाई क्यों होती हैं ये, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि इनका क्या यूज़ है एक्चुअल में। बाहर आप लोग देखो अभी बारिश पड़ रही है आज बहुत ज़्यादा, तो हम बाहर कहीं जा नहीं पाए, इसीलिए सोचा होम टूर बना देता हूँ। ये एरिया है किड्स प्लेइंग एरिया, तो मतलब किड्स के लिए भी एक डेडिकेटेड स्पेस है इस घर में। आप लोग देखो ध्यान से, सबकी ये टॉयज रखे हुए हैं यहाँ पे। ये आयर और दक्ष अभी खेल कर गए हैं, उनकी छोटी छोटी कार्स यहाँ पे रखी हुई है। यहाँ पे बहुत सारे टॉयज रखे हुए हैं भाई, अमेज़ॉन के डब्बों में उन्हीं का कुछ ना कुछ सामान है। सिर्फ मेरे के प्रोटीन यहाँ पे रखा हुआ है जीजू ने, और कुछ एक्स्ट्रा सामान यहाँ पे है। आप देखो कितने सारे खिलौने हैं यहाँ पे, पूरा किड्स का रूम बना रखा है इसको। शायद जैकेट्स भी हैं उनकी छोटी छोटी सी, और ये कुछ और कबर्ड्स हैं जो कि किसी और यूज़ में आ सकते हैं। ऊपर यहाँ पर सेंसर लगे हुए हैं, कुछ एक्स्ट्रा सामान भी यहाँ पे रखा हुआ है। उसके बाद अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। एक ये ओपन किचन का फ़ायदा क्या है कि यहाँ पे खाना बनाओ, यहाँ पे सर्व हो जाता है, बैठे बैठे यहीं पे खाते रहो, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। चार टेबल है, चार ही लोग हैं घर में, तो सबके लिए है। ये मेरी बॉटल पानी की, अभी यहाँ पर माइक्रोवेव लगा हुआ है। और ये एरिया मेरा फेवरेट एरिया भाई, पर्सनल फेवरेट इस घर में। आप ये जो सोफ़े हैं ना, ये ऐसे रहते हैं, लेकिन आप इसमें बटन दबाओगे तो ये पूरा रिक्लाइन होता है, मतलब आप इसमें लेट के आराम से कोई भी मूवी देख सकते हो। जैसे कि अभी हमारा दक्ष कुछ देख रहा है। दक्ष, व्हाट आर यू सीइंग? कार्टून, कार्टून कुछ तो बोलो। ये सारे ऐसे ही हो जाते हैं, काफ़ी अच्छा लगा मेरे को देख के। और यहाँ पर हर एक चीज़ का इतना ख्याल रखा गया कि अगर जैसे कि आज मौसम आपने देखा बाहर कैसे, हम लोग बाहर नहीं जा सकते, अगर आप घर में भी हो ना तो आप बोर नहीं हो सकते। इतनी सारी चीज़ों का ख्याल रखा है, छोटी से छोटी डिटेल का। क्रेडिट गोज़ टू दीदी एंड जीजू, जिन्होंने इतना कुछ प्लानिंग करके ये घर बनाया। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर ये पूल, अगर आपको किसी दिन बाहर जाने को नहीं मिल रहा, घर में टाइम पास करना है, तो देखो आप पूल खेल सकते हो यहाँ पे। ऐसा मौसम यहाँ अक्सर हो जाता है, अक्सर यहाँ पे स्नो पड़ती है, तो जिस भी दिन स्नो पड़ती है आप समझो कई बार ऐसा होता है चार चार पाँच पाँच दिन आपको घर पे ही रहना है। अब घर पे मन कैसा लगेगा घर पे कोई इंसान चार पाँच दिन रह रहा है तो। ये यहाँ का मंदिर जो कि आप ऑलरेडी वीडियोस में देख चुके हो, सबसे अच्छी चीज़ कि मंदिर का डायरेक्शन जो होना चाहिए उसी डायरेक्शन में मंदिर है यहाँ पे। मतलब एक एक चीज़ का ख्याल रखा है यहाँ पे कुछ। और ये सोफ ताकि आप खेलते खेलते थक जाओ तो आप यहाँ पे बैठ सकते हो, यहाँ से आप पूरा बाहर का व्यू ले सकते हो। बाहर मैं भी आपको लेके चलूंगा। ये कुछ और एडिशनल सोफे हैं, ये यहाँ पर हमारे पूल वाला सामान रखा हुआ है अभी भी। अब आपको बहुत ही कुछ अच्छा मैं दिखाने वाला हूँ। ये किस लिए दीदी, ये वाला एरिया यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। ओके, अपना वाओ वाओ, ये आइलैंड टाइप का एरिया। अच्छा, एक फायरप्लेस यहाँ भी है, टोटल चार है यहाँ पे इस घर में। वाओ 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 बहन, ये वाला एरिया एक बार दिखाएंगे हमको आप? हाँ जी। अच्छा, ये वॉशरूम है, जैसे गेस्ट आ जाते हैं हाँ उनको फिर अंदर अगर नहीं भी जाना, लाइक यहाँ पर बैठे हैं या वहाँ पे बैठे हैं गेस्ट को आना, तो सीधा यहाँ पे ये वॉशरूम है गेस्ट के लिए। ये वॉशिंग एरिया है भाई हमारा, और लॉन्ड्री एरिया, और साथ में आप देख सकते हो रोबोट है हमारा जो पूरा घर की साफ सफाई करता है, फिर खुद को क्लीन भी अपने आप यहाँ के कर लेता है, अपने आप को फिल भी यहाँ से कर लेता है। ये देखो पानी है इसके दो तरीके के, क्लीन वाटर को डर्टी, ये क्लीन वाटर डर्टी वाटर ये आके भरता होगा इसमें, है ना, ऐसा ही होगा। अभी देखो अभी रिचार्ज खुद को कर रहा है, बिजली से भी, पानी से भी, साफ भी खुद को खुद ही करता है। बस इसका ये बिजली का कनेक्शन यहाँ पे लगा हुआ है। जो आपने बाहर से एक एंट्री देखी वो दूसरी एंट्री यहाँ पे आती है। ये यहाँ पे कुछ हमारे दोनों बच्चों का सामान रखा हुआ है। ये आपने देखा था बाहर से एंट्री, जो दूसरे वाला गेट दिख रहा था उसकी एंट्री सीधी यहाँ पर है, तो आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ से क्या है ना, ये पूरा गेस्ट का एरिया आ जाता है। अगर घर पे गेस्ट आए हुए हैं तो इतना सारा इंतज़ाम किया हुआ है उनके लिए हमारे दीदी और जीजू ने। जस्ट अ सेकेंड, हमारी दीदी लाइट जला दें यहाँ पे सारी। ओके, अभी आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो ये गेस्ट के लिए कुछ सोफ़ा यहाँ पे हैं, और सामने आप देखोगे तो भाई मिनी थिएटर बना हुआ है पूरा। इस पर हम, ये ऊपर प्रोजेक्टर लगा हुआ है, कोई भी मूवी या वेब सीरीज़ कुछ भी लगा सकते हैं और आराम से देख सकते हैं। यहाँ पे सब लोग इन्जॉय कर सकते हैं एक साथ। ये एरिया थोड़ा सा घर से, मतलब अगर आप देखोगे ध्यान से तो घर को, प्रिवेसी को कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा। गेस्ट सीधा इस वाले गेट से आ सकते हैं अंदर और यहाँ पे बैठ के इन्जॉय कर सकते हैं। तो ये भी बहुत खासा ख्याल रखा है इस चीज़ का कि मतलब फ्रेंड्स
गेस्ट आए लेकिन प्रिवेसी अपनी मेंटेन रहे। एक और फायर प्लेस है, तीन फायर प्लेस अभी तक हम लोग देख चुके हैं। वाह ये कुछ तो बड़ा एस्थेटिक सा लग रहा है देखने में ना पूरा, ताकि स्मोक इसका यहीं से निकल जाए। और ये एरिया मुझे काफ़ी सुंदर लगा पर्सनली देखने में। अभी तो बहुत कुछ बचा है, आइए आपको लेके चलते हैं दूसरे एरियाज की तरफ। भाई ये गाड़ियाँ क्यों खड़ी हुई हैं यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है, हमारे दक्ष की होंगी सारी चीज़ें है ना। ओके सो गाइस अब मैं आपको लेके चलता हूँ पहले एक रूम में। हाँ जी वो बाहर का तो फिर मैं फ़ोन से कवर कर पाऊँगा अभी, कैमरा वरना गीला हो जाएगा। अभी आपको बाहर लेके चलते हैं, उससे पहले मैं आपको रूम दिखा देता हूँ अपना वाला। तो ये गैलरी जिससे आप हमको डेली आते हो देखते हो, ये दक्ष का रूम है जो कि आप बीडी के वीडियो में देखोगे कि इस रूम के अंदर क्या क्या है। ये हमारे रूम में आप देख सकते हो, नीतू अभी ये जो सब हम शॉपिंग करके लाए थे उसको समेटने पे लगी हुई है। नीतू बैग में आने वाला नहीं, अपने को एक दो बैग एक्स्ट्रा खरीदने पड़ेंगे मेरे को ऐसा लग रहा है। ये भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी ये मैस के लिए सॉरी, लेकिन यहाँ पर भी दो सोफे हैं और ये एक टेबल मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जैसे मैंने सोचा था मैं आके यहाँ पे बैठ के एडिटिंग किया करूँगा, लेकिन वो अब तक पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि ठंड काफ़ी है, तो मैं बेड पे बैठ के एडिटिंग कर रहा हूँ। ये यहाँ पर विंडोज़ हैं, यहाँ से आप बाहर का नज़ारा ले सकते हो। ऐसी दो विंडोज़ यहाँ पर हैं और एक ये है वार्डरोब जो कि है बेडरूम के अंदर ही। एक और यहाँ पर चेयर है कि अगर आप यहाँ बैठ के कुछ अगर काम निपटाना चाहते हो तो उसके लिए हो जाएगा। बाकी ये बेड है, बड़ा क्यूट सा सुंदर सा रूम का। एक बार थीम देखो आप कितना सुंदर है। इस घर की एक खासियत आपको बताता हूँ, ये पूरा घर सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन और हीटिंग ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे। तो यहाँ आप घर पे देखते हो, घर से निकलते हम लोग शिकायत करते कि हमें ठंड लग रही, घर में इसलिए नहीं लगती क्योंकि पूरा हीटिंग चलता रहता है सेंट्रलाइज्ड। तो इसमें बहुत सारे जगह ऊपर बने हुए हैं जहाँ से पूरे टाइम हीटर की वो गर्म हवा आती रहती है। ये हमारा बाथरूम, यहाँ से भी एक ये व्यू है जो सुबह से बड़ा सुंदर दिखता है, ऐसा हॉलीवुड हॉरर मूवीज़ की भी याद आ जाती है कई बार। तो यहाँ पे एक छोटी सी अलमीरा कम कबर्ड और ये है ये नहाने का है। अब आपको लेके चलते हैं बाहर के एरिया की तरफ जो कि अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है बिल्कुल, और बाहर बारिश पड़ रही है इसलिए कैमरा अंदर रखूँगा, फ़ोन से शूट कर पाऊँगा बाहर में। तो अब हम चलते हैं बाहर की साइड और आपको टूर कराते हैं हमारे इस बैकयार्ड का। तो सबसे पहले तो भाई ये कितना मैसिव, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरी जगह 0.9 acres में है, मतलब ऑलमोस्ट 1 acre में ये घर बना हुआ है। इसमें स्विमिंग पूल भी है जो कि अभी ढका हुआ है, यहाँ पर आप लोग देखिए अभी ठंडों की वजह से ढका हुआ है इसको, इसका शेप थोड़ा थोड़ा अपने को दिख रहा है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। ये एक और किड्स का प्लेइंग एरिया है, यहाँ पे हम इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपनी साइकिल्स वगैरह खड़े करने के लिए। ये भी वैसे पूल ही है, पूल का ही एरिया है, अभी कवर भी इसको किया हुआ है। वहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेंच लगाई हुई है यहाँ पर एक बैठने के लिए, ये पूल साइड। वहाँ से हमारे दूसरे पड़ोसी का घर दिखता है, पड़ोसी देखो कितनी दूर दूर रहते हैं ना। ये पेड़ लगे हुए हैं कुछ यहाँ पे, और यहाँ पे ये शेड लगा हुआ है जिसको शायद जीजू ने बोला था कवर भी कराएंगे अभी। और एक और ये घर है भाई, घर के अंदर भी घर है, इसको एज अ स्टोर रूम यूज़ किया जाता है यहाँ पे। ये सारे अभी जो गार्डनर है वो आया नहीं है, सब उसके टूल्स यहाँ पे रखे हुए हैं। और हमने काफ़ी बॉलीवुड मूवीज़ में ऐसा देखा है होते हुए कि एक ये बैकयार्ड करके एक रूम था जिसमें देखो अभी आप काफ़ी सारा इसमें एक्स्ट्रा सामान पड़ा हुआ है, इसको बंद कर देते हैं। हॉलीवुड मूवीज़ में मैंने ऐसा देखा है कि वो भूत भूत वाला दिखाते हैं ना सीन के, एक रूम ऐसा है उसमें कुछ ऐसा होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो तो सिर्फ मैं मूवीज़ वाली बात आपको बता रहा हूँ। लेकिन बड़ा सुंदर लग रहा है ना, मतलब अगर आप लोग जैसे इंडिया में होता है कि अगर आप लोग इतने बड़े घर में रह रहे हो तो आप इसको एक सर्वेंट रूम में कन्वर्ट कर देते हो मोस्टली। तो यहाँ आप देखो ये दीवार, यहाँ की बाउंड्री है, और कितना बड़ा है यार, वहाँ तक जगह है इसकी, मतलब आगे तक वहाँ तक ये अपना ही घर है। ये मोटर्स लगे हुए हैं क्योंकि स्विमिंग पूल में पानी भरना होता है, उसको पंप करने के लिए चाहिए होता है। और घर देखो कितना सुंदर लग रहा है यार, सच्ची मज़ा आ रहा है देख के। अब आपको लेके चलता हूँ, यहाँ एक और हिडन सीक्रेट है इस घर में जो कि है यहाँ का बेसमेंट। तो गाइस ये जो आप अभी जगह देख रहे हो ये नीचे जा रहा है बेसमेंट, जहाँ पर गाड़ियों की पार्किंग होती है। और एक और स्विमिंग पूल है यहाँ पर, मतलब स्विमिंग पूल वो है बड़ा वाला, ये जकूजी है। तो कई बार अगर आपका मन है कि आपको हॉट बाथ लेनी है और मसाज के साथ, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी यहाँ तक अपना एरिया है पूरा, ये जो एरिया है मैंने आपको वीडियो के शुरू में दिखाया था, और ये भी पूरा एरिया अपना ही है। नीचे काफ़ी सारी
पार्किंग के लिए जगह है जो कि जिसको भी बंद किया हुआ है, ये अगर खुलेगा तो आपको दिखाएंगे। दीदी वाले व्लॉग में आपको पूरा देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको दीदी के व्लॉग में अभी इनका मेन मास्टर्स बेडरूम रहता है। होता क्या है ना, अभी मेन मास्टर्स रूम में मैं नहीं जाऊँगा, प्राइवेसी होती है हर किसी की, तो वो आपको दीदी के व्लॉग में देखने को मिलेगा। अभी आप लोग क्या करो, दीदी के चैनल पे जाओ, उनको बहुत सारे कमेंट करो कि वो जल्दी से होम टूर दिखाएं, क्योंकि जो उनके बेडरूम से और जो अभी बेसमेंट एरिया रह गया, अभी एक और रूम है ऊपर जो रह गया, एक दक्ष वाला रूम है, मतलब अभी आधा ही होम टूर हुआ है, बाकी का आपको उनके व्लॉग में देखने को मिलेगा। उनको भाई कमेंटों से भर देना उनका चैनल, तभी जल्दी से डालेंगे। मैंने उनको बोला लोग काफ़ी सारे कमेंट करने वाले, तो आप भी होम टूर के लिए रेडी हो जाओ। तो ये जितना मैंने कवर किया, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। लेकिन एक एकड़ का घर कितना बड़ा होता है आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो। दूसरा अंदाज़ा आपको लगेगा दीदी की वीडियो देखने के बाद, तो उनकी वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना। हम लोग जा रहे हैं यहाँ से कॉस्को स्टोर पर, क्योंकि कुछ घर का सामान लाना है। कल हम लोग फाइनली ट्रिप पर जा रहे हैं, आज मौसम खराब था तो नमिता आंटी वाला प्लान हमें कैंसिल करना पड़ा, बट हम कल वहाँ पे जाएंगे। वहाँ से आगे हम लोग प्लान करें नायग्रा फॉल्स देखने के लिए, ठंड में शायद जमा हुआ हो, बाकी अपनी किस्मत है, वहाँ जाके पता लगेगा। लेकिन उस ट्रिप की प्रिपरेशन करने के लिए बहुत सारा सामान अपने को बाहर से लाना है, तो मैं, जीजू और नीतू जा रहे हैं, दीदी और ये दोनों हमारे बच्चे घर पर हैं। यार यहाँ आप चाहे कितनी भी पास जा रहे हो या कितनी दूर जा रहे हो, अब चप्पल पहन के निकल ही नहीं सकते घर से इस मौसम में, चप्पल डाल भग लो है ना, वहाँ तो चप्पल पहन के और पता ही नहीं कुछ कहाँ होगा कहाँ नहीं। गाइस एक दिक्कत हो गई है, यहाँ ठंड इतनी है, ये नाखून से निकलती है ना स्किन, तो आप देख सकते हो ये दीदी बैंडेज लगा रही है, इसका कोई और उपाय बताना, चट निकलना बोलते हैं इसको, यहाँ से स्किन जो निकल जाती है। तांबे का चिल्ला भी कहते लोग पहनना चाहिए, क्या बोलते हैं, एक कहते हैं ना तांबे का पहनना चाहिए रिंग, अच्छा उससे नहीं निकलती, उससे भी बोलते हैं कि उससे ज्यादा नहीं निकलती, यही था ना। बाकी मॉइस्चराइज़ हमारे सब्सक्राइबर क्या बताते हैं, परमिंदर जी आए और ये हमारी मतलब मेरे लिए तो भाई बहन की तरह है बिल्कुल, लखन को मैसेज और इतने सारे गिफ्ट लेकर आए, इसकी वजह से कोई जरूरत नहीं है, हम मना कर रहे हैं तो इसमें टाइम वेस्ट मत करो, सच्ची में वो खड़े हुए हैं। ओके मैं रख देता हूँ, ये उसके लिए है, हाँ जी ये दोनों बच्चों के लिए, दक्ष के लिए उसके, यार दीदी यार दीदी इसलिए लेकर आई कि वो जो भंडारा नीतु करती है उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन करने के लिए। लेकिन दीदी मैं आपको एक चीज बोलूं, पता है आप लोग ऑलरेडी कंट्रीब्यूट करते हो, आप हमारी वीडियो देखते हो ना, उससे हमारी अर्निंग होती है, दीदी आपका शेयर ऑलरेडी आ चुका है हमारे पास, मैं ना एवरेज सैलरी में से ये निकालती हूँ, तो भी मेरा मतलब 10% होता है, मैं करती हूँ यहाँ से जितना हो सके, लेकिन भंडारा नहीं कर सकती यहाँ से, तो वो मेरी फैमिली अभी सब बिजी है, मेरे पापा जॉब करते हैं, भाई भी जॉब कर रहा है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ आप उसमें थोड़ा सा छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूट जरूर करें प्लीज, तो परमिंदर दीदी चली गई हैं अभी, बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छी, और उन्होंने क्या गिफ्ट दिया वो मैं घर जाके ओपन करूंगी। बाकी हम लोग कॉस्को में आए हैं फोन लेने के लिए, आप सोच रहे हो कि फोन इतने सारे क्यों दूसरा फोन लेना, तो मैं बता दूं कि फोन अपने लिए, लखन के लिए, हमारे फैमिली मेंबर के लिए ही है, ये है सुधीर के लिए फोन, सुधीर ने बोला भाई हमें वो चाहिए, सुधीर का बताती हूं, सुधीर ने मुझे फोन करके बोला, वो ना बहुत हक से बोलता है, कहता दीदी मेरा फोन खराब हो गया है, आप वहाँ गए हो ना, वहाँ से मेरे लिए एक फोन लाना न्यू ईयर के लिए, जबकि न्यू ईयर के लिए मैंने उसके लिए कुछ और सोचा था, लेकिन मेरे को पता था उसका फोन खराब हो रहा है, तो मैं अभी उसके लिए फोन लेकर जाऊंगी यहाँ से। चल ठीक है। सो गाइस हमारी शॉपिंग यहाँ से खत्म हो गई, हम लोग घर चल रहे हैं। यस नीतू कुछ कहना था तेरे को? ये कहना था कि अब घर जाके हम दिखाएंगे दीदी हमारे लिए क्या क्या लेकर आए, बच्चों के लिए क्या क्या लेकर आए, और हमने जीजू के लिए काफी सारा सामान ले लिया। ये घर से निकले थे दो चीज लेने, उन दो चीजों के अलावा सब यार भाई सच्चे हमारे जीजू बहुत नहीं मिली तो हम क्या कर सकते हैं। चलो जीजू भाई हमारा सामान, हमारे एंग्री बर्ड देख, एंग्री बर्ड तैयार है गुस्सा करने को, यार दे दे खाना पीना नहीं आता, नहीं लेकर इतना आए हैं,
जीजू बहुत खुश है क्योंकि ये जीजू के फ्यूचर में काम आए। तो अपने खाने का लेके आए। कैसी बात करते हैं यार। अच्छा तो सुनो दीदी, हमें एक स्वीप सी हमारी सब्सक्राइबर मिली थी जिन्होंने हमें ये गिफ्ट दिए हैं। पहले तो ये दक्ष के लिए है, आयरा के लिए। बेटा मैं कैमरा आजा दक्ष, तेरे लिए कुछ है बेटा। दक्ष और आयरा के लिए, आप देखो क्या क्या लेते हैं। और ये भी है आई थिंक दक्ष और आयरा के लिए। पहले हम बचना, मम्मा को आने दो, गंदी मत देना। दक्ष वेट, तो वापस। अच्छा यहाँ ये सीखा है, ये तो मैं लाई हूँ। अगर कंप्लेन कर दी ना तो पुलिस बिठा के ले, वो करेगा जब तक पुलिस, तू यहाँ होगी नहीं तो पकड़ के से ले जाएंगे। ये परमिंदर दीदी थी। सीरियसली यार, ओ वाओ यार, बेटा ले ले, अब आ जा। जब ले ले, थैंक यू बोल आंटी को। आंटी को थैंक यू बोल, इधर इधर देख के बोल। थैंक यू आंटी, अरे को बुला लो, मैं तो भी देख रहा, मैं थोड़ी हूँ आंटी। दीदी उन्होंने एक लिफाफा दिया जीतू को और बोला कि जैसे जो भंडारा करा दी ना मैंने वहाँ पे कि मेरी साइड से है, मतलब फिर देखा उसमें कितने 16,000 रुपए है यार, सोचो ना। मेरे को बहुत ही कम ऐसे स्वीट लोग मिलते हैं लेकिन प्यार हो जाता है। और एक ही बार मुझे उन दीदी से प्यार होता है, उनकी आंखों में जो मैंने वो देखा ना प्यार हम लोगों के लिए और लोगों के लिए। वो ऐसे कहती कि तुम इतना अच्छा काम करते हो, मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैं भी जब इंडिया में थी तो मैं भी ये सब करती थी, लेकिन जब यहाँ पर शिफ्ट हुई तो यहाँ पर नहीं हो सकता ये सब है। थैंक यू सो मच दीदी। अब मैं अपना गिफ्ट दिखाती हूँ। उन्होंने मम्मी के लिए, मम्मी के लिए शूज भिजवाए, कह रहे ये आपकी मॉमी के लिए। ये मम्मी के लिए शूज भिजवाए, थैंक यू। मम्मी को भी बहुत पसंद आएंगे। और ये लड़की की फेवरेट चॉकलेट, ये भी बताया उन्हें, बताया होगा तुमने। नहीं व्लॉग्स में कभी बताया होगा तो मैं मतलब स्कार्फ की क्या जरूरत थी, बहुत ही गलत बात। मैंने पता है हम लोग ना लेट, वो पहले तो 35 मिनट ड्राइव करके आई वहाँ से, फिर पौना घंटा वेट किया हमारा वहाँ, बस 5 मिनट में चली गई। मतलब कितने सेल्फलेस लोग हैं यार, बहुत ही प्यारा स्कार्फ है। और शॉल, हाँ थैंक यू सो मच। हमें क्यों थैंक यू दीदी, हमें तो आपको बोलना चाहिए, आपने इतने प्यारे गिफ्ट दिए हैं, लेकिन ये मम्मी को बहुत पसंद आएगा, उसके लिए थैंक यू सो मच एंड वी लव यू। अभी तो और भी कुछ है नहीं, तो ये रहा सब। इसमें क्या दिया? ये भी सब उन्हीं का दिया हुआ है भाई। इसमें बादल बॉडी वर्क का शार जेल है और ये सब, पता नहीं बच्चों के लिए ये वो कैंडल है, बहुत ही अच्छी कैंडल, अभी मैं इसको लिख करती हूँ। थैंक यू दीदी। तो ऐसे लोग मिलना बहुत खुश नसीबी की बात है और हम खुश नसीब है कि हमें ऐसा इतना प्यार मिल रहा है, इस चीज के लिए नहीं लेकिन उस प्यार के लिए जो उनकी आंखों में हम देखते हैं जब वो लोग रो पड़ते हैं और इतना सारा प्यार देते हैं। सो थैंक यू सो मच उन सभी लोगों को। तो ये परमिंदर दीदी जो कि ये दीदी के लिए लाइन थी, साक्षी दीदी के लिए। दीदी आपको ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, क्यों लिख रहा है सब कुछ? वो मैंने घर पे इनवाइट किया, बहुत जल्दी आएंगे। हाँ वो उनका प्यार था जो आप नहीं समझोगे। ठीक है तो आप जल्दी से घर पे आइए, हम लोग मिलेंगे। मैंने फर्स्ट फिल्म को इनवाइट किया। ठीक, बहुत अच्छा कर, आप जल्दी आइए दीदी, हम लोग यहाँ मिलेंगे और इसके लिए थैंक यू सो मच। ओके गाइस, हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग मीटअप कर रहे हैं 1st of Jan को, तो हमारा साल का पहला दिन हमारे सारे सब्सक्राइबर्स के साथ मीटअप होगा। और हम लोग कर रहे हैं न्यू जर्सी के पास, एक दुर्गा मंदिर है बहुत बड़ा। लोकेशन हम लोग मेरे इंस्टाग्राम की स्टोरी पर शेयर कर देंगे, टाइम भी शेयर कर देंगे, लेकिन आप लोग बस अपनी डेट थोड़ी सी रिजर्व रखना। 1st of Jan को हम लोग सब मिल रहे हैं, जो भी न्यू जर्सी के आसपास लोग रहते हैं प्लीज़ वहाँ पर आना, हमें बहुत अच्छा लगेगा। ए नीतू क्यों चिल्लाती पूरे टाइम यार, अब क्या हो गया? जीजू मुझे एक बात बता दो, वो जो दुर्गा मंदिर है वो कहाँ पर है? लोगों को बता रहा हूँ, 1st Jan को मिल रहे हैं प्रिंसटन में मिल रहे हैं हम सबसे, ठीक है ना? ठीक है, हम लोग प्रोटीन बार लेकर आए हैं, हम लोग नहीं लेके, तू आई है। और पता क्या कहती है कि अगर खाई नहीं पूरी तो जीजू को सही नहीं होता, आप खा ले तो आप खा ले। आई फील फॉर यू जीजू। गाइस अब हमारा स्वीट फैमिली डिनर टाइम, सो आज है राजमा विद नान विद ये। अब भाई मैं तो खाता हूँ डेली, मैं क्या करूँ भाई, राजमा कड़ी दो चीज खाता हूँ। यस मैं खाता हूँ डेली। जीजू सबसे वियर्ड कॉम्बो क्या देखा आपने खाने का? भाई मैंने सुने थे वियर्ड, लेकिन आज मैंने देखे चावल से लोग पिज्जा खा रहे। सो गाइस मैं अभी रूम में आई हूँ और मैंने अपना
पर्स चेक किया जो मैं अभी लेकर गई थी मॉल में, ये है वो जो दीदी ने दिया था, आई मीन चैरिटी के लिए, कि आप क्या करते हो, आप भंडारा करते हो तो आप मेरे नाम का भी भंडारा कर देना, उसमें ऐड कर देना। मतलब इतनी अच्छी सोच में सोचती हूँ लोगों की, कैसे हो सकती है। मतलब हर जगह अलग अलग इंसान है, बहुत ही प्यारे प्यारे, कुछ बेकार बेकार, लेकिन क्या बोल सकते हैं, सब भगवान ने बनाए हैं, हम किसी को जज नहीं कर सकते, इंसान तो जो जैसा है वो वैसे ही रहता है। बट वो दीदी बहुत ज़्यादा स्वीट थी, मैं बस यही बोलूँगी कि ऐसे भगवान करे ऐसे प्यारे प्यारे लोगों से हमें मिलवाते रहें, और जितने भी नेगेटिव लोग हैं उनसे हमें दूर करते रहें। बस हम सभी की लाइफ में ऐसा होगा कि बस भगवान हमें प्यारे प्यारे लोगों से मिलाएं। आज मैं यही सोच रही थी, मैं और लखन, हम चारों जीजू, हम चारों बैठे हुए थे और हम दीदी की बात कर रहे, नमिता आंटी की बात कर रहे, और भी चार पांच लोग हैं यहाँ पर, एक यू नो पंजाबी आंटी रहती हैं, वो हमारे लुधियाना से हैं, वो या मुझे याद नहीं, पता नहीं कहाँ से है वो, लेकिन पंजाब साइड से वो यहाँ पर शिफ्ट हो गई हैं। तो हम उनकी बात कर रहे थे, जो कि आप साक्षी दीदी के ब्लॉग में देखोगे कि जब वो प्रेगनेंट थी, कि तो उन्होंने कितनी हेल्प करी थी दीदी की। तो हम लोग यही सब बातें कर रहे थे, हम कह रहे थे यार कितने अच्छे लोग भी होते हैं, तो हम अच्छी साइड भूल जाते हैं, हम बुरी साइड में ज़्यादा फोकस करते हैं कि उसने हमारे साथ ये बुरा किया, उसने मतलब नहीं। अच्छे लोगों को सुनो, अच्छे लोगों को देखो, हनुमान चालीसा पढ़ो, क्योंकि रात में मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ अपनी, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत ज़्यादा। हनुमान जी का आशीर्वाद है मेरे ऊपर और हम सबके ऊपर, तभी इतना प्रोटेक्ट करके रहते हैं। और अभी मैं रूम में बिल्कुल अकेली हूँ, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। वेल, बस कहने आई थी गुड नाइट। आपको अच्छा लगा हो व्लॉग, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और अपना इसी तरह प्यार देते रहना। बाय बाय।